90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। ये आपकी अपनी आवाज है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है और आज योग दिवस है। आप सबको योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित है खास मेहमान योगाचार्य संजय नोटियाल जी, योग ऋषि पुरुषोत्तम शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार आशीष डोभाल जी। आप सभी का रेडियो स्टेशन पर स्वागत है। धन्यवाद सर, आपको योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं योगाचार्य संजय नोटियाल जी से जानना चाहूंगा योग दिवस पर आपका संदेश। पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं योग दिवस की, और मेरा संदेश इतना है कि योग करें। योग मतलब सिंपल भाषा में जुड़ें, लोगों को जोड़ें, लोगों की ध्यान रखें, और इतना योग जरूर करें कि दूसरे की हेल्प होती रहे और सब स्वस्थ रहें। मैं योग ऋषि पुरुषोत्तम शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप योग दिवस पर हमारे श्रोताओं को अपना संदेश बताएं। आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संदेश के नाम पर बहुत बड़ा संदेश तो हो सकता है, लेकिन आज चूंकि सूक्ष्म संदेश अगर मैं देना चाहूं तो मैं आप सभी कहूंगा कि जिस तरह से आप आज 21 जून को आप योग दिवस मना रहे हैं, जितने उत्साह आपके अंदर है और जिस उत्साह से आप आज सुबह आप आए, आपने योग किया, आप घर से निकले, आपने टाइम निकाला, मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में 21 जून रोज ले आए। रोज इसी उत्साह के साथ आप योग करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। योग ऋषि पुरुषोत्तम शर्मा जी ने अपील की है कि योग दिवस एक दिन का दिवस नहीं है, ये आप अपने आपके जीवन शैली का प्रत्येक दिन का दिवस है। सर, योगाचार्य संजय नोटियाल जी से मैं जानना चाहूंगा कि भागदौड़ की जिंदगी में योग कितना सुकून देता है। सर देखिए, योग एक खाली एक शरीर की बनावट से करने वाला नहीं है। योग मतलब जुड़ना। आप जुड़ेंगे तो आपका WBC बूस्ट करेगा, आप दूसरे की केयर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप दान दया धर्म करेंगे उसको योग बनाएंगे। आपको खाली बॉडी की जरूरत नहीं है, एक जुड़ते रहें, अपनी ब्रीथ को फील करें, योग बनना शुरू हो जाएगा। पांडे जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय हम मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी ऋषिकेश में। योग दिवस जो है वो कुछ चंद सालों पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया था, और आज आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसका पूरे विश्व में पहचान बन रही है। हम बात कर रहे हैं अपने दो युवा साथियों से। मैं संजय नोटियाल जी से जानना चाहूंगा कि उनकी जो यात्रा थी, योग यात्रा कैसे शुरुआत हुई। देखिए सर, हम लोग जो पुरुषोत्तम भाई बैठे हैं, आदरणीय है हमारे, और एक जर्नी तो बहुत लंबी है, लेकिन ये लोग योग करते थे और मैं एक छोटे से PC में जॉब करता था, तो ये रोज आके ऊपर एक शॉप पर प्रैक्टिस करते थे। तो बाद में पता लगा कि ये लोग जाते हैं अपना रुद्रा जी हमारे गुरु जी हैं, तो योग यात्रा शुरू हुई। तो जब हमारे जो हमारे सीनियर होते हैं उन्हें देख के हम लोग इंस्पायर करते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बड़े भाई पुरुषोत्तम हमारे साथ हैं, और जो हमारे गुरु जी हैं, सबसे बड़ा योगदान उनका है कि उन्होंने इतना कुछ हमें दिया है कि वो समा नहीं सकता। हम लोग एक दिन के हैं उनके सामने। जी पांडे साहब, मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूँ। हमारे साथ बैठे हैं पुरुषोत्तम शर्मा जी, योग ऋषि हैं, और योग के बारे में अगर हम बात करें ऋषिकेश में, तो इनका योग एक अनूठा तरह का योग है। कभी ये गंगा में शीर्षासन करते हुए लहरों के ऊपर नजर आते हैं, कभी ये राम झूला लक्ष्मण झूला जो यहाँ के लैंडमार्क हैं उसमें एक उंगली के बल पर खड़े हुए अपनी पूरी प्रतिभा का परिचय देते हैं। तो इनका सानी कोई नहीं है, लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो इनकी जो दस्तक है वो मुंबई में, खासकर जो दिलों में राज करते हैं गोविंदा, उनके योग गुरु के रूप में भी इनकी पहचान है। तो मैं पुरुषोत्तम शर्मा जी से जानना चाहूंगा, ऋषिकेश से निकलकर जो मुंबई का आपका सफर शुरू हुआ, थोड़ा सा उनके बारे में बताइएगा। मैं इस बारे में काफी कहता रहा हूँ पहले भी, और आज 90.0 FM के माध्यम से आज डोभाल जी से हमारी वार्ता हो रही है, पांडे जी से हमारी वार्ता हो रही है, तो मैं एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा और दोहराना चाहूंगा इस बात को कि आप जब भी किसी बड़ी व्यक्ति से मिलते हैं, आप जब भी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपके जीवन में एक लैंडमार्क बन जाता है और आपके लिए जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर एक कुछ न कुछ काबिलियत जरूर होनी चाहिए। मेरा बहुत टाइम से एक्टिंग का शौक था मेरे को,
वो एक अलग चीज है, मैं उसमें कैसे जाता क्या करता हूँ बात अलग है, लेकिन चूंकि मेरा बचपन से मेरा योग के साथ बहुत गहरा संबंध रहा है, मैं बात करूंगा, मैं माननीय गोविंदा जी के बारे में बात करना चाहूंगा कि मैं वही कह रहा हूँ कि आपके अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। मैं उसमें 1989 में मैं नटराज में स्विमिंग एंड योगा इंस्ट्रक्टर था, गोविंदा जी का वहाँ पर आना हुआ और एक फिल्म के सिलसिले में आए थे, राधा का संगम के सिलसिले में, तो मेरी उनसे वहाँ मुलाकात हुई। जब उनको मेरे बारे में पता चला कि मैं योग भी करता हूँ, चूंकि उनकी भी योग में बहुत पहले से रुचि है, वो योगाभ्यास पहले से करते चले आ रहे हैं। कोई भी आदमी किसी से भी इम्प्रेस तब होता है जो चीज़ उसको वो नहीं आती है, आपको जो चीज़ आती है उससे तो इम्प्रेस होगा ही नहीं, जो चीज़ नहीं आती। तो हम बात कर रहे थे, मेरी हेल्थ क्लब में भी उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा सर हम आपको वो हैंड स्टैंड करके दिखाता हूँ। तो हैंड स्टैंड चूंकि वो नहीं कर पा रहे थे, शीर्षासन करते थे, वो उससे बड़े इम्प्रेस हुए गोविंदा जी। मेरी उनसे वहाँ से मिली, मेरी मुलाकात उनके साथ शुरू हुई और इम्प्रेस हुए, उन्होंने भी किया। तो एक नाम ऐसा हो गया मेरा कि उनके जहन में कि नेक्स्ट टाइम जैसे भी उन्होंने मेरे को बुलाया पुरुषोत्तम ही कह के बुलाया, तो आदमी को अच्छा लगता है कि एक इतना बड़ा व्यक्ति और नाम से बुला रहा है, तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं उनके जहन में हूँ, तो कुछ ना कुछ उनको अच्छा लगा। उसके बाद मेरी शुरुआत हुई और मेरा उनसे मैंने भी कहा कि मेरे को एक्टिंग का शौक है, फिर मैंने उनको एक वीडियो भी दिखाई, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा पुरुषोत्तम, देखो मैं तुम्हें बिल्कुल सही बताऊंगा, और मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, तो मैं अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हें कहूंगा और मेरे को बुरा लगेगा तो मैं तो बुरा कह दूंगा। मैंने कहा सर मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे को बुरा कह दो, मुझे और निखरने का मेरे को टाइम मिलेगा और मौका मिलेगा और मैं उसमें और पारंगत होंगे, उसके बाद फिर मैं स्ट्रगल करना शुरू करूंगा। तो ये मेरी उनके साथ एक मेरी शुरुआत थी 89 के बाद। मैं 1991 में बॉम्बे गया, मैंने एक्टिंग कोर्स किया, वहाँ उनसे मेरी मुलाकात होती रही, उन्होंने मेरे को वही तवज्जो दिया जो मेरे को यहाँ ऋषिकेश में उन्होंने तवज्जो दिया था। फिर 90 में वहाँ से वापस चला आया, 95 में वो फिर ऋषिकेश आए महाराजा की शूटिंग के लिए, इसके लिए मैं हमेशा उनके साथ में रहा एक महीना बॉम्बे गया, फिर मैं उनके पास चला ही गया, तो वहाँ से मेरी जर्नी उनके साथ मेरी शुरू हुई और एक अच्छी मुलाकात और एक अच्छा मतलब एक भाईचारा कह लो। मैंने उनके साथ हर तरीके से मैंने काम किया, मैं उनका एम्प्लॉई हूँ, मैं उनका योगा गुरु हूँ, मैं उनका साथी हूँ, मैं उनका दोस्त हूँ, हर तरीके से प्रोडक्शन मैंने संभाला, तो बहुत अच्छा मेरा उनके साथ मेरा तालमेल रहा गोविंदा जी के साथ, और बहुत अच्छा लगा। मेरे को खुशी है इस बात की कि मेरा अपना जो गुण है वो कहीं लोगों के साथ काम आता है और लोग गुण मैं उनसे मैं लेने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, हमने देखा है आपको उनके साथ मोटरसाइकिल में घूमते हुए, पुल पार करके आप ले गए, फिर उन्हें नीलकंठ महादेव के दर्शन भी करा के लाए, तो ये एक जो बड़ी बात है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, हम बचपन से आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एक हमारे शहर की जो हस्ती है उसने पूरा अपना नाम जो है वो देश विदेश के साथ दिलों में भी बनाया है। मैं बात करता हूँ सैम जे नोटियाल जी से, जो संजय नोटियाल के नाम से इंडिया में जाने जाते हैं और चाइना में सैम जे नोटियाल के नाम से जाने जाते हैं। संजय भाई क्या है इसके पीछे राज? सर देखिए, मेरा जैसे हम लोगों का इंडियन नाम होता है संजय तो नाम है, लेकिन जब वहाँ पर गए तो क्योंकि चाइनीज करेक्टर होते हैं तो अब उनको कोई नाम क्या है तो वो कभी वो सैनचे कभी कुछ वर्ड, तो वो धीरे धीरे तो सैम जे जे वाई से हटके जे हो गया, एस ए एम एन होना चाहिए था तो एन से हटके एम हो गया, तो धीरे धीरे वो संजय से सैम जे हो गया और धीरे धीरे फिर वो खाली सैम तक हो गया, बाबा सैम, तो अब बाबा सैम बन गए। बिल्कुल, आपकी ने जो पहचान है पांडे साहब, आप देख रहे हैं ना कि ऋषिकेश का युवा अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी से निकलकर चाइना की धरती पे जाता है और वहां जाकर पूरा अपने नाम को इस तरह से फैला देता है। मैं चाहूंगा पांडे साहब आप भी कुछ पूछिए। मैं सर से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सर लोग कहते हैं कि योग से आयु बढ़ती है जी, कितना सही है सर कि योग से आयु बढ़ती है? देखिए सर, आयु तो एक अलग वर्ड है, लेकिन जो हमारी सांस है, कहते हैं कछुआ जितना कम लेता है उतना ज्यादा, कुत्ता होता है वो 12-13 साल में हो जाता है, सांप, तो आपकी जो सांस है सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर शांत है तो आपकी सांस शांत है, सांस शांत है तो आपकी आयु लंबी जाएगी, और आयु लंबी से नहीं खुश वाली आयु होनी चाहिए कि आपने अपने जीवन में कितना किसी के लिए दिया है, क्योंकि देना ही नाम है, तो आप जितना देंगे उतनी आयु बढ़ेगी। मैं योग ऋषि श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी से जानना चाहती, योग के बारे में कहा जाता है कि शरीर को स्वस्थ रखता है, निरोग रखता है, ये बातें योग के बारे में अक्सर सामान्य तौर पर कही जाती है। व्यक्तिगत जीवन में जो व्यक्तिगत जीवन की जो उथल पुथल रहती है उसमें योग कितना सहायक है? देखिए सवाल तो बहुत छोटा सा है, इसका जवाब
बहुत बड़ा है और उस बड़े जवाब से भी बड़ा उसका इम्प्लीमेंट है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई ये कहे कि मेरी जिंदगी में उथल पुथल नहीं है तो शायद वो गलत होगा। हर एक की जिंदगी बहुत हेक्टिक है और बहुत फास्ट लाइफ हो गई है। आदमी करना बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसको वक्त नहीं मिल पाता कि वो उतना कुछ पूरा कर सके। कारण बहुत सारे होते हैं। इसको संभालें कैसे? संभालने का जो तरीका है वो योग में इसीलिए कहते हैं। देखिए जैसे भी हमारे नौटियाल जी ने भी कहा कि योग सिर्फ एक एक्सरसाइज ही नहीं है, मन को शांत करने का भी तरीका आना चाहिए। और योग की महत्ता आज इसीलिए बढ़ी है, पहले से बढ़ी है और पहले से ही बहुत गूढ़ सब्जेक्ट है, ये गूढ़ विषय है योग। लेकिन उसको जानना शुरू किया लोगों ने अब, जब धीरे धीरे उसके बारे में पता चला और लोगों ने क्रियान्वयन लोग हुए उस पर करना शुरू किया तो उसकी महत्ता लोगों को धीरे धीरे समझ में आई। एक्सरसाइज एक माध्यम है शरीर को स्वस्थ रखने का, मन को और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का माध्यम है ध्यान। और ध्यान से पहले जरूरी है धारणा, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, कंसंट्रेशन यानी कि जो धारणा है उसकी जो परिपक्वता है वो है ध्यान, मेडिटेशन। हम लोग स्टार्ट कर देते हैं मेडिटेशन से, अच्छी बात है, लेकिन वो मेडिटेशन पे लोग खरा इसीलिए नहीं उतर पाते पूरी तरीके से क्योंकि उन्होंने धारणा की प्रैक्टिस नहीं करी, धारणा को उन्होंने नहीं समझा। धारणा करना शुरू कर देंगे जब हम आसन करते हैं। देखिए आसनों के अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट है, दो ही चीज है केवल, एक है स्ट्रेचिंग और एक है बैलेंस। स्ट्रेचिंग इंडिपेंडेंट है और बैलेंस कंसंट्रेशन के साथ अटैच है। जब तक आप कोई भी पोस्चर जब बैलेंस कर रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं करेंगे बॉडी को, तब तक वो बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो कंसंट्रेशन आप हम सीखते हैं पोस्चर से, जब कंसंट्रेशन हमें आ जाता है फिर हम उसके बाद मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी को रोकने के लिए, संभालने के लिए, एकाग्रचित करने के लिए, अपने आप को पूरा समेटने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मन को शांत करें। और मन को शांत करने के लिए बहुत जरूरी है आप पूरे दिन की अपनी जो दिनचर्या है, जो आपने किया है उसको एनालिसिस करें। मैंने आज क्या पाया, क्या मैंने मिस किया और मैं कल क्या करूंगा, उसको वहीं पर खत्म कर दें। अगर आप उसको आपने अपनी सोच में कैरी ऑन रखा तो मन को एकाग्रचित नहीं कर पाएंगे। तो मन को एकाग्रचित करने के लिए आपको जरूरी है थोड़ा सा धारणा करना बैलेंस के माध्यम से, और उसके बाद थोड़ा सा ध्यान करना, एकाग्रचित होकर के बैठना। और आज की तक मैं ये कहना चाहूंगा ये बहुत जरूरी है, पहले हम लोग ध्यान करते थे एक जो एकांत अलग जाकर के, जो लोग ध्यान करते थे एकांत में गंगा किनारे बैठकर या कहीं पहाड़ में भी हम बैठे हुए हैं, वहां में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। उसके बाद लोगों ने ध्यान करना शुरू किया, नहीं जा पा रहे बहुत दूर, अब कोई बड़े शहर में बैठा हुआ है तो न तो गंगा ही जा सकता, ना वो पहाड़ पे जा सकता, ना पार्क में जा सकता, अब घर में बैठेगा, घर वालों ने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। आज इंसान की ये स्थिति, अगर वो चाहे पहाड़ में भी जाना चाहे पहाड़ में भी जा सकता, गंगा किनारे भी जा सकता है, घर में भी रह सकता है, लेकिन उसको डिस्टर्ब करना है मोबाइल उसके पास है। तो जब तक हम उसको दूर नहीं रखेंगे, देखिए मैं अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। ये इसको अदरवाइज ना लें कि बड़ाई बड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। और कई बार लोग मुझको कहते भी हैं कि नहीं तुम ऐसा मत करो। मैं जब मॉर्निंग एक्सरसाइज करने जाता हूं, देर से जाता हूं आराम से, बहुत आलसी हूं। शरीर को स्वस्थ रखना इंपॉर्टेंट है, आप कितने बजे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जब सुबह एक्सरसाइज करने जाता हूं 1.5 घंटा, तो मोबाइल मेरे साथ में नहीं होता, आप भूल जाइए, उसको कट ऑफ करना पड़ेगा। एक चीज तो आपके दिमाग से निकल गई, मोबाइल मेरे पास नहीं है, उससे क्या होगा, आप बिल्कुल कट ऑफ हो गए। ना किसी आपको ये चिंता है कि मुझे किसी को फोन करना है, ना आपको चिंता किसी का फोन आने वाला है। तो जब तक आप थोड़ा सा दूर नहीं रहेंगे, मन को एकाग्रचित नहीं करेंगे, भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर आप योग भी कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर फायदा नहीं हो पाएगा। तो एकाग्रचित रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए आप थोड़ा सा मेटलिस्टिक से आपको कट ऑफ होना पड़ेगा, अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा और शांत होकर आराम से। देखिए योग है, हम योग की बात कर रहे हैं, आज बहुत अच्छा दिन है इस विषय बात कर रहे हैं, ये शांति वाला सब्जेक्ट है। योग को अभी बहुत कई सारी फॉर्म में किया जाता है,
जिसमें से एक फॉर्म पावर योग भी है, अष्टांग भी है। लोगों ने कह दिया आप अष्टांग करेंगे, हठ योग करेंगे, कर तो योग रहे हैं लेकिन अष्टांग बहुत फास्ट है, पावर योग बहुत फास्ट है, हठ योग बहुत शांत है। अब लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए, तो भैया आपको यहाँ भी एक्साइटमेंट चाहिए, आपको लाइफ में भी एक्साइटमेंट चाहिए, और उसके बाद कहते हैं फिर मेरे को मन शांत में कैसे करूँ, तो वो थोड़ा सा विरोधाभास है इसमें। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम जिमनास्ट नहीं कर रहे हैं, हम एरोबिक्स नहीं कर रहे हैं, हम जुम्बा नहीं कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं। योग कर रहे हैं तो योग की तरीके से उसको आप करेंगे तो डेफिनेटली उसको फायदा होगा, और आपको एकाग्रचित रख करके आपको इस विषय पे सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और आई एम श्योर कि आपको जो है फायदा होगा ही होगा। आप नेक्स्ट डे के लिए बहुत रिचार्ज हो जाएंगे, आपकी बैटरी इतनी चार्ज हो जाएगी, आप पूरी तरीके से जैसे आपने आज काम किया वैसे आप कल काम कर पाएंगे। बहुत सुंदर जवाब दिया है सर आपने, और आपने कहा है कि जो योग का जो मॉडर्न लुक आ गया है, जो मॉडर्न योगा की बात करते हैं, वो कितना सक्सेस है सर मन की शांति के लिए? मन की शांति के लिए सक्सेस तो मैं क्या कहूँ, मैं सक्सेस कितना है कितना नहीं है, हाँ इतना जरूर है, जैसे हम छोटी सी हमने बैटरी चार्ज कर ली, मोबाइल की बैटरी चार्ज कर ली और हमने चालू कर दिया, आज मैं पूरी बैटरी हम चार्ज करके गए मोबाइल की, रास्ते में खत्म होगी, बीच में कहीं कोई चार्ज मिला 10 मिनट के लिए, फिर चार्ज कर ली, फिर चालू हो गए, बस इतना ही सक्सेस हमें उसमें मिल पाता है। मतलब जो स्थायित्व है वो नहीं है, स्थायित्व नहीं आ पाएगा। बिल्कुल पंडित साहब, मैं देख रहा हूँ क्योंकि काफी समय से मैं भी योग को कवर करता आया हूँ पत्रकारिता में, तो मैं देख रहा हूँ कि योग की जो पुरुषोत्तम भाई बता रहे हैं वो बदलती जा रही थी, लगातार लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चीजें प्रस्तुत कर रहे। नौटियाल जी ने ड्रैगन की धरती पर पहुंच के चाइना में पूरा परचम लहराया भारतीय योग का, और पुरुषोत्तम भाई जो है इनका सानी कोई भी नहीं है, इन्होंने शीर्षासन को गंगा की लहरों के ऊपर कई किलोमीटर तक करके दिखाया है, तो आप देख सकते हैं। और बैलेंसिंग के मास्टर मुझे नहीं लगता इंडिया में इनसे ज्यादा कोई हो, ये किसी भी जगह पर एक उंगली पे खड़े होके अपना योग प्रदर्शित करते हैं। तो अलग अलग फॉर्म है लेकिन योग करें वो सबसे बड़ी बात है, अगर योग करते रहेंगे तो चीजें आगे बढ़ती रहेगी। मैं थोड़ा सा आप सब्जेक्ट से अलग ले जाके पुरुषोत्तम भाई से चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना ये बताएं, आपको म्यूजिक का बहुत शौक है, कौन सा गाना आपके दिल के करीब है? गाने तो बहुत सारे हैं, मैं किशोर दा हमारे बहुत करीबी रहे और मैं उनका बड़े इज्जत और सम्मान करता रहा, पता नहीं उनके गाने शायद ऐसे थे कि मेरी जिंदगी में जब मैं गानों की शुरुआत हुई तो उन्हीं का गाना सबसे पहले हमने सुना और वो गुनगुनाना भी हमने शुरू किया। लेकिन मैं ना गुरुकुल कांगड़ी पढ़ा हूँ हरिद्वार, तो जब मैंने वहाँ पढ़ाई शुरू करी, जब मेरी पढ़ाई शुरू हुई उससे पहले माता जी चूँकि सन्यासी थी, माता जी ने संन्यास लिया था, अभी करीब तकरीबन 4 वर्ष हो रहे हैं जो उनका देहावसान हुआ, तो उनको ना रामायण गीता याद थी माता जी को, तो माता जी ने बहुत प्रवचन किए ऑल ओवर इंडिया में, कई जगह प्रवचन किए जाते। तो जब हमने पढ़ाई शुरू करी उससे पहले कि हमें गीता अभ्यास करना बहुत ज़रूरी था, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से पढ़ाई में हमने कह के बाद में शुरू किया होगा, लेकिन बच्चे तो बोलना शुरू कर ही देते हैं पहले, तो उसी बोलचाल में हमने गीता अध्ययन शुरू कर दिया था। मैं 71 से 79 मिनट तक मैं गुरु कांगड़ी हरिद्वार पढ़ा हूँ, और उसके बाद वहाँ से मेरी जर्नी बाहर की जिंदगी शुरू हुई। जब मैं बाहर आया तो बाहर तो रौनक बिल्कुल ही अलग थी, तो बाहर वो फिल्मों के गाने याद हो गए, मैं वेद मंत्र भी भूल गया। तो ये जिंदगी वहाँ से शुरू हुई, और मेरे को याद है कि किशोर जी का गाना जो बहुत ज़्यादा यानी करीब भी रहा और कहना चाहिए बहुत अच्छा भी लगा, उस वक्त पता नहीं मुझे कितनी अकल थी कितनी नहीं पता नहीं, लेकिन वो गाने तो बिल्कुल बहुत नज़दीक रह गए मेरे। जिंदगी का सफ़र है ये, कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, मेरे महबूब कयामत होगी आज रसुआ तेरी गली में मोहब्बत होगी, तो यहाँ से मेरी शुरुआत गाने की, और आज भी मैं गाने गुनगाता हूँ आज भी, तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई गाने की, फिर हम गाने की तरफ हम बढ़ते चले गए। योग ऋषि पुरुषोत्तम शर्मा जी ने एक गाने की फरमाइश की है और किशोरदा का गाना है, और ये गीत
पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं योग दिवस पर योग ऋषि पुरुषोत्तम शर्मा जी से और योगाचार्य संजय नोटियाल जी से। मैं योग ऋषि पुरुषोत्तम शर्मा जी से जानना चाहूंगा कि जैसे सर ने बताया अभी जो ऑनलाइन गेमिंग है जी, योग के माध्यम से इस लत से कैसे छुटकारा दिला सकते हैं? देखिए, छुटकारा दिलाने के तरीके हैं भी और देखा जाए तो नहीं भी हैं। नहीं है तो नहीं है, चल ही नहीं रहे, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, जीरो हैं, लेकिन जो हैं वो कैसे हो सकते हैं? मैंने देखा कि आजकल ना ऑनलाइन जुआ जो आजकल चल रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके बारे में गेम क्यों नहीं बन रहे हैं? उनके बारे में कोई ऐसा शख्स क्यों नहीं सामने आता है जो कि किसी अच्छी चीज़ के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास हो सके? और उनका तो विकास होगा ही होगा, ये उनके पेरेंट्स का और हमारे समाज का, हमारे देश का भी विकास होगा। आज इसकी ना कमी बहुत होती जा रही है। मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ, सब गेम खेल रहे हैं, योग का गेम कोई भी नहीं है। योगा का भी कोई गेम आना चाहिए, एक जरूरी कर दें कि आपको योग कुछ ना कुछ करना जरूर है आपको, आप कुछ भी कीजिए उसमें, कुछ नहीं कर रहे अच्छा बैठ जाइए, प्राणायाम कर लो, आंखें बंद करके बैठ जाओ, ध्यान कर लो, बच्चे को ध्यान से कोई लेना देना है नहीं, आंखें बंद करके बैठो, कुछ तो सोचेगा। देखिए, आज की तारीख में योग का क्या फायदा हो सकता है गेमिंग के उसमें, सिर्फ गेमिंग नहीं, आम आदमी के लिए भी ध्यान जो जरूरी है वो बहुत सारे पहलुओं और बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताता हूँ, आप ध्यान अगर करना नहीं भी जानते हैं मत कीजिए, आप बैठ जाइए, आंख बंद करके बैठ जाइए आप, तो आंख बंद करके आप बैठेंगे, देखिए हम एक पर्पजली आंखें खोल के रखते हैं, आप जब पर्पजली आंख बंद करके भी रखेंगे ना तो आपको आंखों को बहुत फायदा होगा। आंखों की रिलैक्सेशन के लिए तो कोई आज करता ही नहीं कुछ भी, आंखों की रिलैक्सेशन ये हम क्यों रिलैक्स करें, डॉक्टर करवाएगा, चश्मा चढ़ा देगा, बच्चों को चश्मा चढ़ रहा है आज की तारीख में। तो योग के माध्यम से बहुत फायदा हो सकता है अगर हम उनको ये सिखाएं और वो बच्चे सीखना चाहें, माँ बाप ये कहें कि हम उनको सिखाना चाहते हैं, तो कम से कम जो एक योग का एक्सरसाइज के माध्यम से एक तरीका है आंखों को रिलैक्स करने का, उनको भी वो आना चाहिए। माता पिता के जो अरमान है उनको पूरा करने का बोझ बच्चों पर आ गया है, चाहते हैं कि हमारे बच्चे परचम लहराएं, हमारे बच्चे आगे बढ़े, तरक्की करें, हमारा नाम रोशन करें। बच्चा जो उस बोझ में आया है, उस स्ट्रेस में आया है, बंद कमरे में पढ़ाई कर रहा है, किताबों की दुनिया में की ही शेयर कर रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, ऐसे बच्चों के मानसिक विकास की बात अगर हम करें, उनके ओवरऑल विकास की बात करें, योग कहाँ सहायक? देखिए, मैं जैसे अभी हमारे नोटियाल जी ने शुरू में ही कहा, योग को जोड़ने से देख कर बताया, वास्तविकता है योग जोड़ना, प्रेशर है बच्चा बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर। पहले तो मैं एक अपनी एक छोटी सी स्टोरी में आपको कहना शेयर करना चाहूँगा। मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था, शायद मेरे ख्याल से मैं सिक्स क्लास में था उस समय, सिक्स और सेवन्थ क्लास में, जो वहाँ की थोड़ी सी पाँच क्लास के बाद थोड़ा सीनियर क्लास आनी शुरू हो जाती है, और मैं बहुत ज़्यादा खेल कूद में और उछल कूद में और बहुत ज़्यादा अलग एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मैं फेमस भी था वहाँ गुरुकुल में, और उसमें मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता था, पढ़ाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट था मेरा। एक बार मेरे को ना मौका मिला एक, मतलब जैसे कहना चाहिए मॉनिटर करने का, मैं मॉनिटर बना दिया गया या मेरे को वो कर दिया कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या दी मुझे कि शाम को 5 बजे के बाद हॉस्टल के अंदर कोई भी बच्चा रहना नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि 5 बजे के बाद शाम को हॉस्टल के अंदर एक बच्चा दिखना नहीं चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है, पिटाई तुम्हारी होगी। हमने टीचर ने गुरुजी ने हमें बोल दिया बेटा पिटाई तुम्हारी होगी अगर कोई बच्चा मुझे अंदर नजर आ गया। बच्चा जाएगा कहाँ? फील्ड में जाएगा। खैर आज तो मोबाइल है, उसमें ये नहीं कहता कि मोबाइल नहीं था, लेकिन बच्चों की इच्छा कई बार होती है हम ना खेलें, या हम पढ़ाई ज़्यादा करें, या हम आलस सो गए ना। आपको सोना भी नहीं है, आपको पढ़ाई भी नहीं करनी है, और आपको हॉस्टल के अंदर रहना ही है किसी भी कारण से। हॉस्टल में आप अगर चाहें कि मैं लूडो खेल लूँगा अंदर बैठ करके भी, सिर्फ आप वो भी नहीं कर सकते। जो करना है आपको फील्ड के अंदर करना है। तो शाम को 5 बजे का एनी हाउ फील्ड में जाना ही होता था। अब ये आपकी चॉइस है, अब वहाँ पर आप स्ट्रेस नहीं है कि आपको फुटबॉल ही खेलनी है या हॉकी खेलनी है, क्रिकेट ही खेलना है, ये स्ट्रेस नहीं है। आपको स्ट्रेस सिर्फ इतना है कि आपको बाहर जाना है, बाहर चले गए आप जो मर्जी गेम खेलो, आप दौड़ लगाओ, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, नो डाउट स्ट्रेस तो है ही। और जैसे बताया मुरल जी ने भी कहा, और आप सभी लोगों को पता है, आज की तारीख में सबको पता है कि देखिए योग फायदेमंद है, योग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं।
लेकिन सर करते कितने लोग हैं? इम्प्लीमेंट बहुत जरूरी है। मेरी एक छोटी सी बहुत छोटी सी परिभाषा, मैं अभी तक आगे मैं इतना बड़ा योग में कुछ मैंने किया नहीं है और पता नहीं कब हो पाएगा। उसके लिए मैं एक चीज़ मैं पहले कहना चाहूँगा कि मैंने एक जगह मैंने नोट लिखा है कि योग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी किताब अगर हम देखें और पढ़ना शुरू करें योग की किताब, तो उसका शुरू पन्ने से हम शुरुआत तो कर सकते हैं पहले पन्ने से, लेकिन उस किताब का आखिरी पन्ना है ही नहीं। आज ब्रह्मांड का अगर कोई छोर देखें आप आखिरी छोर, तो उसका आखिरी छोर कोई है नहीं। इस तरह योग कभी कोई किताब का आखिरी छोर है ही नहीं, इतना बड़ा है। तो हम तो अभी बिल्कुल बच्चे हैं, हम तो अभी पढ़ना शुरू किया है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से जो फायदा होना चाहिए, जो फायदा उठा सकते हैं, वो फायदा प्रॉपर उठा नहीं पा रहे हैं। हमें फायदा उठाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, बड़े लोगों से पूछना चाहिए, कुछ करना चाहिए, लेकिन आप सोचिए तो सही, आप करिए, आप मानिए तो सही, दिल से तो मानिए आपकी योग से हमें फायदा होगा, तब तो आप योग करेंगे। किसी ने कह दिया, अच्छा दूसरे को देखा उसको फायदा हुआ था, तो भैया फायदा आपको भी हो सकता है, आप करना तो शुरू करें। स्ट्रेस तभी कम होगा जबकि उनका जो रूटीन है उसमें हम बदलाव लेकर के आए। बदलाव क्या लेकर के आए? योग को बिल्कुल कंपलसरी कर दें। अच्छा योग कंपलसरी कर देंगे तो एक योग का भी स्ट्रेस आ गया, ये लो जी योग का भी स्ट्रेस कर दिया हमने, अभी तक तो पहले इतना सारा स्ट्रेस है, योग का भी स्ट्रेस कर दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई। मेरे मित्र हैं, मैं उनके पास बैठता हूँ, मैं उनके बच्चे को बोलता हूँ भैया योग कर, नहीं टाइम ही नहीं है। किस चीज़ का टाइम है भी तुम्हारे पास? गेम खेलने का टाइम है और कोई टाइम ही नहीं है। हम आज की तारीख में मतलब एक ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि हम किस तरह से बच्चों को या बड़ों को उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं कि वो योग की तरफ डाइवर्ट हों। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है और हमें सबको आपस में मिलकर के, समाज को बैठ करके, आपस में सबको मिलकर के, सरकार को बैठ करके सोचना पड़ेगा कि कितना इजी माध्यम से एक ऐसा तरीका बनाए जो कि लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो उसके माध्यम से योग का फायदा उठा सके। बिल्कुल योग ऋषि जी, आपने जैसे बताया है, जिस तरह की बात करी है, सरकार भी कहीं ना कहीं ये जो 21 जून हमारा दिन मना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसलिए मनाया जा रहा है इससे आम आदमी जुड़ेगा, आम आदमी जुड़ेगा तो घरों में योग की एक धारा बहेगी और उस धारा का फायदा अगर बच्चे उठाते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारा भविष्य है। पंडित साहब, आप म्यूजिकल दौर भी थोड़ा सा आगे बढ़ाए योग के दौर के साथ साथ, नोटिया साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा गाना आपके दिल के करीब है जो आप हमारे लिसनर को भी सुनाना चाह रहे हैं? मुझे खाली प्रेजेंट का पता है, जब से योग मैंने जाना है और शायद बचपन से भी आदत थी कि फ्लो विद फ्लो, मेरे पास एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरे पास ड्रीम नहीं है, मैं फ्लो विद फ्लो रहता हूँ। तो मुझे देवानंद साहब बहुत पसंद है, तो उनका गाना एक हुआ कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला, तो ये मेरे लिए मुझे अपना पे लगता है पूरा फिट और बढ़िया लगता है। और मुझे दूसरा गाना पसंद है कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ। तो मेरे दिल के करीब दो गाने हैं और शायद इसी के साथ साथ मेरा योग सफ़र भी चलता रहा कि जो आए आए, जो गया वो चला गया, और जो आएगा वो आना आना है। तो योग कर रहे हैं तो उस क्या फ्यूचर पीछे है नहीं, और सांस के साथ बढ़ते चले जाओ, सांस जब तक है तब तक जिंदगी का सफर चलता जा रहा है। जी बिल्कुल, आपका जो गाना है इसको हम अपने श्रोताओं को भी सुनाते हैं, थैंक यू, जिंदगी के साथ को इसी तरह निभाते रहे, थैंक यू, जिंदगी को योग के धारे के साथ आगे बढ़ाते हैं। खास है क्योंकि योग की शुरुआत जो हुई है हमारे शहर ऋषिकेश से हुई है, यहाँ के योगाचार्यों ने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है। आज ऐसे ही दो योगाचार्य हमारे स्टूडियो में बैठे हैं और उनसे हम बात के सिलसिले को आगे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा पुरुषोत्तम जी से, योग क्या है? इस पे आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा डुबाल जी, कई बार जवाब देना मुश्किल हो जाता है। देखिए योग की परिभाषा जो, वो मैं अगर अपने शब्दों में मैं कहना चाहूँ, जो अभी तक मैंने ज्ञान हासिल किया, तो कोई एक ऐसी प्रोमिनेंट पक्की और ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जो कि ये कह सके कि यही परिभाषा हमेशा और एक ही लागू होगी। उसका कारण ये रहा कि योग को जैसे जैसे ऋषि मुनियों ने, संतों ने किया, तो अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने योग के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा, और जो कि वो सही भी है। मैं अगर जो चरितार्थ और लिखित रूप में मैं बात करूं सबसे पहले, तो महर्षि पतंजलि जी ने लिखा है, योग चित्ती वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों की एकाग्रता का नाम योग है। अच्छा इसका ना आंसर है, लेकिन इसके जो अलग अलग शब्द हैं बहुत गूढ़ हैं, और जब हम इनको करने के लिए जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा हमारा वक्त लगता है। एक संत ने लिखा है, संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मने परमात्मनो।
जैसे कि हमारे नोटियाल जी ने भी कहा, पहले भी कहा कि जोड़ने से कहा, तो ठीक है योग का मतलब जोड़ना होता है, अब किसको किससे जोड़े, सवाल ये भी तो है सर कि जोड़े किसको किससे जोड़े हैं। तो जोड़ने का यहाँ मतलब है जीवात्मा ने परमात्मा नो, जीवात्मा का परमात्मा के साथ आत्माओं का जब मिलन होगा उसको हम योग कहते हैं, संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा ने परमात्मा नो। एक और सज्जन ने किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, सर्व चिंता परित्यक्तो उच्यते, आप सारी चिंताओं को छोड़ दो और आपको योग जो है वो अपने आप आपका ही हो जाएगा। तो ये की एक ऐसी परिभाषाएं हैं जो कि चरितार्थ हैं। मेरे को ना सारी परिभाषाओं को देखते मेरी भी एक चीज समझ में आई, आफ्टर ऑल हम चाहते क्या हैं, हम अपना फायदा चाहते हैं। फायदा कैसा, मन शांत हो जाए, शरीर अच्छा हो जाए, मोक्ष मिल जाए, लास्ट तो यही है। तो यानी कि वहां भी हमारा फायदा है ना, हम फायदा देख रहे हैं वहां भी, तो यानी कि फायदा क्या है, आज हमें सब कुछ अगर मिल जाए तो हम क्या कहते हैं बैठ करके, और हम स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो स्वर्ग की प्राप्ति से मैंने एक छोटी सी परिभाषा, मैंने खुद परिभाषा लिखी है जो मैं आपके 90.0 FM के माध्यम से, मेगाहर्ट्ज़ के माध्यम से आज मैं कहना चाहूँगा, और शायद ये हमेशा के लिए प्रूव्ड हो जाएगी, हाँ ये मैंने कही है। योग इज ए डिवाइन लाइट विच शो द पाथ ऑफ हेवन। इसके अंदर पांच शब्द हैं बहुत अच्छे और बहुत गूढ़ हैं, बहुत छोटी सी परिभाषा है। योग इज ए डिवाइन लाइट विच शो द पाथ ऑफ हेवन। योग क्या है, डिवाइन क्या है, लाइट क्या है, पाथ क्या है और हेवन क्या है, इनको समझना पड़ेगा। और ये समझ जाएंगे तो हमें वास्तव में तो समझ में आएगी कि वास्तव में हेवन क्या है। तो ये छोटी सी परिभाषाएं जो आपके माध्यम से मैंने अभी आपके सामने रखी है, धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी, बस एक जाते जाते एक सवाल हम और भी करना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी है, कैपिटल ऑफ योगा है ऋषिकेश, तो इसका महत्व क्या देखते हैं हम, पूरे विश्व का जो योगाचार्य बनना चाहता है, योग को सीखना चाहता है, वो दौड़े दौड़े ऋषिकेश आ जाता है, ऐसा क्यों है? मैं इसमें सबसे घर से शुरू करना चाहूँगा। आपसे काफ़ी वर्ष पूर्व करीब 62 में माता जी पहली बार ऋषिकेश आई, और यहाँ की ऋषिकेश की महत्ता को उन्होंने समझा, और चूंकि वो तो पहले से ही सन्यासी थी और प्रवचन करती थी माता जी, और यहाँ की महत्ता को समझ के और ऋषिकेश के ही होकर रह गई। तो जब हमारे बड़ों ने ऋषिकेश की महत्ता को समझा तो उसका कुछ ना कुछ बहुत विशेष कारण रहा होगा। एकांत, जंगल और एकदम शांत, कोई भी चीज़ अगर आपको अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको एकांतवास का सहारा लेना पड़ेगा। ऋषिकेश मैं अपने आप को बहुत मतलब कृतज्ञ समझता हूँ, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि जो ऋषिकेश की महत्ता आज हमें नज़र आ रही है, वर्ल्ड ऑफ योगा कैपिटल ये जो नज़र आ रहा है, तो इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले से शायद सोच लिया था कि हाँ ये शायद ऐसा होगा। ये बन पाया उन लोगों की वजह से जिन्होंने अपना योग में बहुत बड़ा एक योगदान दिया है और बहुत वर्ष इसकी तपस्या में लगाए। 62 में करीब महर्षि महेश योगी भी आए, 68 में यहाँ पे बीटल्स आए महर्षि महेश योगी जी के यहाँ, जिससे कि उनकी जो योग की और उनके क्रियाओं की और उनके TM की, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की, उनकी जो महत्ता बढ़ी, उसके बाद उनका आश्रम बीटल्स के नाम से भी जाना जाने लगा। स्वामी शिवानंद जी, टाट वाले बाबा, मस्तराम बाबा, स्वामी आत्मप्रकाश काली कमली वाले, बाबा मस्तराम के बारे में मैं तो उनके गोदी में खेला हूँ, बाबा मस्तराम की गोदी में खेला हूँ। देखिए, एक तो होता है मरना और एक होता है समाधिस्थ होना। मैंने अगर अपनी लाइफ में अगर मैंने किसी को देखा है तो बाबा मस्तराम को देखा है, उन्होंने अपने शरीर छोड़ने से पूर्व खाना पीना सब त्याग दिया था। अगर पीने के नाम पे उस गंगा जल के किनारे रहते थे, तो पत्थर के नीचे, उन्होंने गंगा जल ही सिर्फ पिया और समाधि की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। जिन लोगों का इतना त्याग रहा है ऋषिकेश में आकर के, तो इन लोगों की वजह से ऋषिकेश वर्ल्ड योग कैपिटल बना, और हमें हम बहुत बड़ा गौरवित महसूस करते हैं अपने आप को कि हमें ये मौका मिला, और सभी को ये मौका मिला कि अपने आप को एक खुशनसीब समझें कि हम ऐसे शहर में रह रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही समझना काफ़ी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हर घर में यहाँ योग होना चाहिए, तो इसको जिसकी महत्ता को जो इसको बनाए रखें। 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और इस समय हम बात कर रहे थे, योग दिवस पर हम बात कर रहे थे योग ऋषि पुरुषोत्तम शर्मा जी से और योगाचार्य संजय नोटियाल जी से,
और हमारे साथ रेडियो ऋषिकेश में वरिष्ठ पत्रकार आशीष डोभाल जी। बातचीत बहुत अच्छी रही और योगा के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। अभी बातचीत में हमने योग के बारे में जाना और योग से जीवन में कैसे सुकून लाया जाता है, कैसे खुशनुमा जिंदगी को बनाया जाता है, इसके बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारी। स्टूडियो में आने के लिए, अपना समय देने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए मैं योग ऋषि पुरुषोत्तम शर्मा जी और योगाचार्य संजय नोटियाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ वरिष्ठ पत्रकार आशीष डोभाल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967।